खजाना है ये पाउडर। एक ग्लास दूध में एक चम्मच सिर्फ ये पाउडर मिलाकर बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, खुद पीजिए। कमज़ोरी और थकान बहुत दूर भागेगी और आँखों की रोशनी भी इससे सही रहती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से में। दोस्तों आज हम ठंडई पाउडर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ मसाले हैं जो इसे सुगंधित बनाते हैं। ड्राई फ्रूट शरीर को एनर्जी देते हैं और ये फ्लेवरफुल मसाले शरीर को ठंडक देते हैं। तो गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, ये न्यूट्रिशियस फ्लेवरफुल पाउडर यानी ठंडई पाउडर बना कर रख लीजिए। अभी होली भी आने वाली है तो आप झटपट से ठंडई बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं ठंडई पाउडर और इसका यूज़ करके ठंडई। तो दोस्तों ठंडई पाउडर बनाने के लिए ये सारी सामग्री हम लिए हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ मसाले हैं। क्या क्या हैं ये देखिए, ये है बादाम। एक मुट्ठी भर बादाम को सोख करके पील कर लिया है और सुखा लिया है। आप डायरेक्ट ऐसे छिलका सहित भी ले सकते हैं सूखे हुए। और बाकी ये जो चारों ड्राई फ्रूट्स हैं वो इक्वल क्वांटिटी में लिया है। बादाम थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, आप बराबर भी ले सकते हैं। ये है मगज़, खरबूजे का बीज, पिस्ता एक चम्मच, चिरौंजी एक चम्मच, काजू एक चम्मच, कुछ सूखे हुए गुलाब की, देसी गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। और ये चम्मच में जो दिख रहा है छोटा सा थोड़ा सा जायफल है, जायफल को छोटा छोटा तोड़ लिया है, आप ग्रेट कर सकते हैं। और इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और केसर है, कुछ केसर के धागे हैं, केसर से बहुत अच्छा कलर आएगा और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, आप सबको पता ही है। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो आप जस्ट अवॉइड करिए, या चुटकी भर दो चुटकी के करीब हल्दी डाल सकते हैं। और ये है एक इंच दालचीनी का टुकड़ा और उसके अलावा 12-15 के करीब काली मिर्चें हैं, आधी चम्मच सौंफ है, मोटी वाली सौंफ है, इसमें फ्रेग्रेंस काफ़ी होती है। और ये है 5 हरी इलायची, इसे हम तोड़ लिए हैं, इसके बीज सिर्फ निकाल के हम पीसेंगे, जो छिलका है वो निकाल देंगे, निकाल के चाय पत्ती में डाल देंगे जो डेली चाय बनती है तो उसमें यूज़ हो जाएगा। और ये एक चम्मच खसखस या पोस्ता दाना, पॉपी सीड्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ठंडई पाउडर। तो गैस पर एक पैन रख लिए हैं, आँच बिल्कुल धीमी है, और इसमें हम भुनेंगे ये खसखस यानी पॉपी सीड्स और केसर के धागे। ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस 1 मिनट भुनेंगे हम बिल्कुल धीमी फ्लेम पर। 1 मिनट हम पोस्ता दाना और केसर को भून लिए हैं और अब बाकी मसाले भी डाल देते हैं। तो इसमें हम डाल दे रहे हैं ये हरी वाली इलायची जिसका छिलका हम निकाल लिए हैं, दालचीनी का टुकड़ा और काली मिर्च, जायफल, सौंफ और ये सारे ड्राई फ्रूट्स। मिक्स कर लेते हैं। गैस मैंने बंद कर दी है, बस थोड़ा सा इसको इसी में रहने देंगे 2-3 मिनट, तो अच्छे से जो हमारे नट्स हैं और जो मसाला है वो सिक जाएगा और नट्स से मॉइस्चर निकल जाएगा, थोड़े से क्रिस्प हो जाएंगे तो आराम से पिस जाएगा। तो गर्म पैन में ही इसको 2-3 मिनट पड़े रहने देते हैं। 2-3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे पीस कर पाउडर बना लेते हैं। ये हमारा ठंडई पाउडर पिस गया है। इसे किसी भी जार में स्टोर करके रख लीजिए। और बस एक ग्लास दूध में एक चम्मच ये पाउडर, काफ़ी खुशबू आ रही है इससे, काफ़ी फ्लेवरफुल ये मसाला तैयार हुआ है ठंडई मसाला पाउडर। इसे इसमें निकाल के स्टोर करके रख ले सकते हैं। अब इस ठंडई पाउडर का यूज़ करके हमें ठंडई बनाना है, तो उसके लिए हम ये ले लिए हैं 1 ग्लास दूध, 300 ml के करीब होगा, तो ये इसमें हम डाल दे रहे हैं। इसमें 250 ml के लिए एक चम्मच ठंडई पाउडर काफ़ी है। इसमें हम डालते हैं लगभग 1 चम्मच और थोड़ा सा और। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी हम यहाँ पर मिश्री ले रहे हैं 1 चम्मच। चर्न कर लेते हैं तो एक बढ़िया सी मिल्क शेक ठंडई एक चम्मच ठंडई पाउडर के साथ तैयार हो गई। आप इसे बच्चों, बड़ों सभी को दीजिए, खुद पीजिए। अभी होली आ रही है तो होली में सर्व करने के लिए मेहमानों को आप झटपट से ये ड्रिंक बनाकर सर्व कर सकते हैं, अगर आपके पास ये पाउडर जो है बना के आपने रख लिया है। तो ठंडई पाउडर और ठंडई की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी ट्राई करके मैं ज़रूर बताइएगा, अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा।
अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।